नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए बिल्ली ने मेरा, ये देखिए मेरा क्लेंचो का पौधा सारा का सारा नीचे गिरा दिया और सारी मिट्टी इसकी निकल गई थी। और आज मैं उसको दोबारा से रिपोर्ट करती हूँ क्योंकि जल्दी से ही मुझे इसे करना पड़ेगा ताकि ये सूखे ना, ये सूख जाएगा। और इसकी सारी टहनियाँ वहनियाँ सब तोड़ दी हैं, ये देखिए ये बिल्ली का काम है हमारी। और ये देखिए मैंने इसमें पत्थर डाल लिए हैं बहुत सारे, इसमें छेद छेद थे तो मैंने पूरा इसको कवर कर लिया। और यहीं पे मेरी मिट्टी रखी हुई है तो मैं जल्दी से इसको रिपोर्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से तो बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं, जैसे जैसे बंदर करते हैं नुकसान, वैसे बिल्लियाँ भी हमारे ना बहुत नुकसान करती हैं। तो ये देखिए मेरा ये पौधा सारा, इतने अच्छे इसमें फूल आते थे, अब इसमें फूल आने वाले थे, छोटे छोटे से फूल निकलते हैं इसमें, ये देखिए। तो मैं इसमें इसको लगा देती हूँ ताकि मेरे फटाफट से ये ग्रो हो जाए दोबारा से, इससे कोई नुकसान ना हो। बिल्ली और बंदर जब कोई गमला उमला तोड़ देते हैं या कि हमसे भी कोई गमला टूट जाता है ना, तो हमें इतना दुख होता है कि अरे यार हमारा पौधा ख़राब हो गया, पौधा मिट्टी निकल गई। तो वो ये कल रात को वो खिड़की में चढ़ी थी और फिर उसने सारे मेरे तीन चार गमले जो नीचे गिरा दिए। तो वो गमलों को तो कुछ नहीं हुआ, पर ये जो है ये वाला जो मेरा है क्लांचो का पौधा, ये मेरा इसकी सारी मिट्टी निकल गई और ये पौधा अलग पड़ा हुआ था, मिट्टी अलग पड़ी हुई थी। तो सुबह मैंने उठ के देखा तो मेरा ये सारा नुकसान हो रखा था। तो मैंने सुबह सुबह ही, अभी मेरे बज रहे यहाँ पे 9, तो इस टाइम पे मैं फटाफट इसको लगा लेती हूँ ताकि मेरा पौधा ख़राब ना हो। और ये तो लग तो जाता ही आसानी से, क्लंचों का पौधा सी कटिंग भी आराम से चल जाती है, कटिंग आराम से लग जाती है। तो ये कटिंग तो मेरी है नहीं, ये टूट गया है ना, इनको भी मैं अलग से गमले में डाल लूँगी ताकि मेरे ना दोबारा से नया पौधा तैयार हो जाए। देखिए मैंने इसमें मिट्टी भर ली अच्छे से, बिल्लियों का कुछ पता नहीं रहता, कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं खिड़की में दरवाजों में इधर उधर चढ़ती रहती हैं। और कितने इन्होंने दीवार में रखे हुए मेरे गमले सारे तोड़ दिए, शर्मिक पॉट मेरे तोड़ दिए सारे के सारे जो मैंने दीवारों में रखे हुए थे, चढ़ चढ़ के उन्होंने नीचे गिरा गिरा के सारा मेरा गमलों का बुरा हाल कर दिया, सारे गमले मेरे तोड़ दिए। बंदर और बिल्लियाँ एक जैसी होती हैं, और डॉगी जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। हाँ जब डॉगी बीमार होता है तो फिर वो हमारे गार्डन में ना पौधे ढूंढता खाने के लिए, जो कौन से पौधे मैं खाऊं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। उनके अगर डॉगियों की कोई तबीयत ख़राब होती है तो वो पौधे के पत्ते खाते हैं जो उनको पसंद होते हैं, और जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो वो वाले पौधे के पत्ते बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हर सिंगार का जो मेरा पौधा है ना, उसके पत्ते मेरे डॉगी खाता रहता है। जब इसकी तबीयत ख़राब होता है तो हर सिंगार के पौधे में पहुंच जाता है और उसके सारे पत्ते खाता रहता है, पूरे पत्ते ख़त्म कर दिया, पूरा पेड़ उसने गंजा कर दिया। पर मुझे कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं होता क्योंकि पत्ते तो दोबारा से आ जाते हैं। परंतु जब बिल्लियाँ ऐसे काम करती हैं ना, सारे गमले तोड़ देती हैं, गमले नीचे फेंक देती हैं, तब बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि गमले भी टूट जाते हैं जब वो ऊपर से नीचे फेंकती हैं इन गमलों को। तो बस हो गया है, देखिए मेरा ये मैंने रिपोर्ट कर दिया ऐसे, देखिए अच्छे से, और अच्छे से मैंने मिट्टी दबा ली है, दबा दबा के भर लिया। बस इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी और इसको मैं रख दूंगी साइड में, और ये जो है इसको भी लगाना है तो मैं इसको भी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो यहीं पर मैं दिखाती हूँ, ये मेरा है, ये देखिए दही का डब्बा है, ये देखिए दही आती है इसमें। तो यही दही के डब्बे में मैंने होल भी कर रखा है, ये देखिए पीछे से छेद है इसमें, तो इसी में मैं इसको लगा लूँगी। अभी मेरे को और कोई गमला नहीं मिल रहा है लगाने के लिए, तो ये मेरे पास पड़ा था तो मैं इसी में ही इसको लग ग्रो कर लेती हूँ। और ये बड़ी आसानी है और इजी से इसमें चल जाएगा। तो इसमें मैं रख लेती हूँ टिक्कड़, देखिए रख लिया मैंने, और यहाँ पे मैं मिट्टी भर लिया इसमें ताकि इसको ही मेरा ये जो है मेरा ये क्लांचो की जो मेरी कटिंग है ये भी आसानी से इसमें चल जाए। इस तरीके से मैं इसको लगा लेती हूँ इसमें। तो मेरे पास ऐसे पड़े रहते हैं तो जब मेरे को चाहिए होता है तो मैं निकाल लेती हूँ, तो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें भी संभाल के रखनी पड़ती हैं। तो ये जो हमारे पास गमले नहीं होते तो यही हमारी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें हमारे
बड़े काम आती हैं। ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी भर ली अच्छे से, और इसमें मैं थोड़ा सा होल करूँगी, और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लगा दूँगी। तो ये देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है। ये क्लेंचो की मेरी कटिंग ये सब ये लग दी है। तो ये देखिए इसकी मेरी कटिंग लग गई है। और मैं दिखाती हूँ कि कल मैंने जेड प्लांट के बॉन्साई बना के दिखाया था, उसकी जो कटिंग पड़ी है उसको भी। ये जो मेरी जेड प्लांट की कल मेरी कटिंग निकली थी तो मैंने रख ली थी, कल रात हो गई थी तो मैंने उस टाइम पे नहीं ग्रो किए, ये मैंने रखी हुई थी साइड में। तो अब मैं इसमें डालूंगी, इसमें लगाऊंगी। ये मेरे वेस्ट पड़े हुए हैं तो इन्हीं में दही के इसमें मैं लगा लेती हूँ, नीचे नीचे रख लेती हूँ इसमें भी मैं। इस तरीके से रख लिया, इससे मैं मिट्टी भर लेती हूँ। ऐसे जो वेस्ट पड़े हुए थे ना ये संभाल संभाल के मैं रखती रहती हूँ, कभी भी काम आ जाते हैं। टूटी हुई जो हमारी चाय के कप होते हैं टूटे हुए साइड से टूट जाते हैं, तो फिर वो चाय पीने का उनमें मन नहीं करता, फिर हम उनको साइड में रख देते हैं, तो उनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये देखिए भर लिया अच्छे से मैंने इसमें मिट्टी, और मिट्टी तो मैं पहले से ही बना के रखती हूँ, आपको ये पता ही है, मैंने वीडियो डाली थी इसकी कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ। ये देखिए भर लिया है मैंने। अब मेरी जेड प्लांट की मैं इसमें कटिंग लगा लेती हूँ। जेड प्लांट की तो आपको पता ही है कि छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। नीचे से इसके पत्ते हटा लें इधर से इस तरीके से। और हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो पूरी शुरू से एंड तक देखें प्लीज़। तो ये देखिए मैंने इसके पत्ते हटा दिए हैं नीचे से, इस तरीके से नीचे के पत्ते हटा लेने होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छेद करा, और ये हमने रेड प्लांट की कटिंग लगा दी इस तरीके से। कटिंगें बहुत सारी थी तो कटिंगें हम फेंके ना इनको बिल्कुल भी। हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं जेड प्लांट की जो हमारी कटिंग होती है ना, कटिंग निकलती है उससे हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए देखिए ये भी मेरे लग गया है। इतनी इतनी कटिंगें भी लग जाती हैं, देखिए इतनी इतनी हमारी कटिंग भी चल जाती हैं। फेंकना नहीं है, बस ऐसे लगा दे, छोड़ देना है मिट्टी में, मिट्टी में लगा के छोड़ दो तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी कटिंगें लगा लेती हूँ। वेस्ट पड़ी चीज़ें हम बिल्कुल भी ना फेंकें, एक कोने में स्टोर करके रख ले, और जब हमको ज़रूरत होती है फिर हम निकाल लें वहाँ से और बस उसको यूज़ में ले आएँ। जैसे कि अभी मैंने किया है, अभी मेरे पास कुछ था नहीं लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए, तो ये दही के मेरे पास ये पड़े हुए थे डिब्बे, मैंने संभाल के रखे हुए थे, तो बस यही मैंने निकाले और इसमें ही लगाना शुरू कर दिया। तो बस ये देखिए इस तरीके से ये मेरी लग गई है कटिंग। ये देखिए तो मैं दबा दबा के लगा लेती हूँ। बाकी ये मेरी जो ये कटिंग पड़ी है इनको भी मैं अलग से किसी और चीज़ में लगाऊंगी। तीन चार कटिंगें और पड़ी हैं तो इनको मैं लगाऊंगी दूसरी चीज़ में। थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल लेती हूँ, बस हो गई है मेरी ये कटिंगें तैयार। ये देखिए तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेती हूँ, तो लेके आती हूँ पानी। तो लेके आई हूँ मैं ये पानी, और इसमें थोड़ा थोड़ा आप पानी डाल लेंगे। ये देखिए बस इस तरीके से इतना पानी डालें कि नीचे से निकल जाए, और तब बाद में तब डालें कि जब ये मिट्टी इसकी एकदम सूख जाए। बस ये देखिए तैयार हो गए मेरे, और यहाँ पे मैं इनको रख लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे रख लिया है मैंने ये, और इसको भी मैं यहाँ पे रख लूँगी। ये देखिए वेस्ट पड़े डब्बों में ही मैंने देखिए ग्रो कर रखे अपने पौधे।
तो इस तरीके से मैं करती हूँ। ये देखिए पन्नी में रखे करे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ, यहीं पे मैं कर लेती हूँ। ये मेरी कटिंग चल रही है अच्छे से। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी, यही मैंने आपको दिखाना था कि आज मेरा क्या नुकसान हुआ है, मैंने कहा क्या चीज़ ग्रो करा है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरी वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे।